मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इतना नफरत है कांग्रेस जी, बहुत नफरत है। दो दो को हमको पोती बिहार में भी भरा, झारखंड में भी भरा, वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, तो हम कैसे कांग्रेस के हम सपोर्ट करेंगे? जब भी देंगे तब फूल छाप, फूल छाप बस। क्या दिया फूल छाप आपको? एकदम मोदी के देंगे। दिया क्या है मोदी जी? मोदी हमको बहुत दे रहा है। क्या दे रहा है? वृद्धा पेंशन दे रहा है, सरकार के दे रहा है, 10 किलो गेहूँ फ्री भी, अथी भी है। जब भी हम देंगे तो मोदी के देंगे। ऐसा कोई पार्टी आवेगा हम मंजूर नहीं करते। कांग्रेस दंगाई पार्टी है, कांग्रेस दंगा करवाती है। पूरा सिख नरसंहार 1984 का देन कांग्रेस का है, उसको हम वोट देंगे कभी कभी भूल नहीं, कभी न दिए हैं न देंगे। जब से बीजेपी की सरकार आई है कई गो दंगा हुआ इंडिया में, कितना मुसलमान हिंदू मरा, कहीं कुछ हुआ आज तक? छोटा मोटा कुछ नहीं तो होता ही रहता है, लेकिन बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस को भूल के भी हम लोग कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। ओनली बीजेपी ओनली। राहुल गांधी खुद निकम्मा है, हारने के बाद इटली भाग जाएगा। इटली भाग रहे हैं? हाँ, शादी नहीं भी आगे करेंगे कहाँ यहाँ पर? हारने के बाद इटली भाग जाएंगे, वो यहाँ करेंगे क्या? उनके यहाँ कोई रोजगार नहीं। बोल रहे हैं ब्राह्मण है इंडिया के, हम इंडिया मेरा घर है। ब्राह्मण खाली दिखावा है इलेक्शन के लिए, कोई ब्राह्मण नहीं है। कौन जाति है उनको कोई पता, खुद उनको नहीं है। वो तो आलू से सोना बना देते हैं, तो कहते रोजगार का देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आगाज हो चुका है और ऐसे में हमारी मौजूदगी झारखंड के चतरा लोकसभा क्षेत्र में, और देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे समाज के लोग मौजूद हैं। इन सबसे बातचीत करेंगे, बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा 10 सालों का। तो सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। भाई जी आप बताइए, आप युवा हैं और अग्निवीर का योजना कैसा रहा बीजेपी का अभी तक? देखिए अग्निवीर का योजना तो बहुत अच्छा है, हमारा दोस्त भी एक हुआ है और वो बहुत खुश है। और ये अग्निवीर जो कहते हैं लोग कि अग्निवीर 4 साल का है, 4 साल का है, ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर अगर एक बार भर्ती हो जाइए तो उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस के बाद सरकार उसको परमानेंट रख लेती है, समझे? सरकार उसको परमानेंट अग्निवीर जो योजना है, अग्निवीर का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत अच्छा, अग्निवीर का समर्थन हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। आप बताइए सर, राहुल गांधी युवा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने चाहिए? वो कब बनेंगे प्रधानमंत्री? वो खाली मुसलमान के सपोर्टर है और मुसलमान के सपोर्टर और कौन जी है? वो तो सबके लिए सोच रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी सब लिए, सबके लिए कहाँ भलाई चाहते हैं वो? हैं, कुछ भलाई किए हैं आज तक? मोदी जी तो बहुत भलाई कर रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं आपको, 2000 रुपया PM किसान का दे रहे हैं, लोग जगह जगह पर सबको सर्विस दे रहे हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। लेकिन वही के विपक्ष कह रहे कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी जी, हिंदू मुसलमान करके वोट ले रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, एकदम मोदी जी लीड करेंगे, लीड करेंगे हाँ एकदम। आप बताइए सर कैसा रहा बीजेपी का कार्यकाल? एक नंबर, बीजेपी का कार्यकाल 10 वर्ष वाला बहुत सुंदर था, सबको समान अवसर मिला, हिंदू मुसलमान। PM किसान का लाभ हिंदू भी उठा रहा है, मुसलमान भी उठा रहा है, हिंदू से ज्यादा मुसलमान लोग लाभ उठा रहा है। वैल्यू आज का है कि हमको मोदी मुसलमान हिंदू करते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है ना? इसलिए 5 किलो अनाज, मुफ्त इलाज आपका, सब तो उसमें दे ही रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं मोदी जी? सब कुछ मिल रहा है, सर्विस मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? कपड़ा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, और क्या चाहिए आपका? घरे घरे उन लोग उनको सबके पकड़ पकड़ के सर्विस दे देंगे। पढ़िएगा लिखिएगा तो सर्विस जरूर मिलेगा, मेरा पूरा फैमिली सर्विस में है। पढ़ लिखे ना सर्विस लिया कि कहीं से उठा लिया? तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ना सर्विस मिला। क्या रे बेरोजगारी बढ़ गया भारत में ज्यादा? कुछ बेरोजगारी नहीं है, जो जो आदमी निकम्मा है ना उसको बेरोजगारी समझ में आवेगा, और काम वाला का रोजगार सब जगह समझ में आवेगा। जो निकम्मा है उसको बेरोजगार समझ में आवेगा, सोचता बना बना। राहुल गांधी ऐसा बोलते बेरोजगारी बढ़ा रहे मोदी जी? राहुल गांधी खुद निकम्मा है, हारने के बाद इटली भाग जाएगा। इटली भाग रहे हैं? हाँ, शादी नहीं भी आगे करेंगे कहाँ यहाँ पर? हारने के बाद इटली भाग जाएंगे, वो यहाँ करेंगे क्या? उनके यहाँ कोई रोजगार नहीं। बोल रहे हैं ब्राह्मण है इंडिया के, हम इंडिया मेरा घर है। ब्राह्मण खाली दिखावा है इलेक्शन के लिए, कोई ब्राह्मण नहीं है। कौन जाति है उनको कोई पता, खुद उनको नहीं है। वो तो आलू से सोना बना देते हैं, तो कहते रोजगार का देंगे? तो आलू से सोना बना कहेंगे? चाचा आप बताइए, आप बोल दिया, क्या नाम है आपका? मेरा इलियास का नाम है, इलियास खान। खान जी कैसा रहा बीजेपी का कार्यकाल, कैसा लगा? ठीक रहा, ठीक रहा। क्या ठीक रहा बताइए कुछ, अगर ठीक रहा तो? विकास हो गई है रहा है, लेकिन हम लोग की यहाँ विकास नहीं है। आपके यहाँ विकास नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बीजेपी के कुछ नहीं विकास यहाँ हुआ। इस बार क्या मूड है आपका?
बस इन मूर्ख तो है ही है, अपने आदमी को खुद ये है कि हम अपना किसको मत दें। हाँ, इस बार क्या है, इस बार इसको वोट दीजिएगा बीजेपी को, बीजेपी का दोस्त है, दोस्त है आपका। हाँ, कब से दोस्त बना? बहुत पुराना, शुरू से देते आ रहे। हाँ हाँ, तो बताइए, राहुल गांधी युवा है, उनको मौका मिलना चाहिए ना। पहले तो आप ही बताइए कि युवा है कैसे, युवा कितना साल का बोल रहे हैं, युवा है राहुल गांधी ना, बुढ़ा है, सब बाल पाकिया है, दाढ़ी पा, शादी नहीं हुआ उनका, ब्याह नहीं हुआ है, तो कैसे है युवा हुए फिर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एकदम बुढ़ा हो गए हैं, पूरा बुढ़ा हो गए हैं, इसीलिए देखिए पप्पू के नाम से तो जानबे करता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि वो बेरोजगार काहे है, कहे कि दूसरा के बोलता है कि बेरोजगार नहीं है, सब जगह रोजगार है, कहाँ नहीं रोजगार है, जिसका नहीं है उसका अपना दिमाग से कमान खा नहीं रहा आदमी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही बात बोलेंगे, चुपचाप फूल छाप। एक लाख रुपए देने का वादा कर रहे राहुल गांधी, बोल रहे अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीबों को एक एक लाख रुपए देंगे सालाना। अच्छा, तब पापा के घर से देगा एक एक लाख, केकर पैसा देगा, कहाँ से लाएगा, ऐसे कोई होता है? हम लोग पैसा कहा लेंगे, एक एक लाख उससे कहा लेंगे, सरकार से कहे पैसा लेंगे, अपना पैसा है, ताकत है, अपने कमाओ खाओ मस्ती में रहो, तो सरकार देगा एक लाख ओकरा में कह के, वो फिर तुम्हें दर्शन देना तो ये भी नहीं किया करेगा, मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, इतना नफरत है कांग्रेस जी, बहुत नफरत है। अरे उसको कैंडिडेट तो झूठ ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं, तो फिर 1984 का दंगा नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, चाहे जो हो जाए 1984 का दंगा हम नहीं भूलेंगे। भाई हम लोग हार्ड फैन हैं मोदी जी के, हार्ड फैन, हाँ एकदम कठोर वाला। हम लोग कांग्रेस के ना वोट दिए ना कभी देंगे, वो कांग्रेस दंगाई पार्टी है, कांग्रेस दंगा करवाती है, पूरा सिख नरसंहार 1984 का देन कांग्रेस का है, उसको हम वोट देंगे कभी कभी भूल नहीं, कभी न दिए हैं न देंगे। जब से बीजेपी की सरकार आई है कई गो दंगा हुआ इंडिया में, कितना मुसलमान हिंदू मरा, कहीं कुछ हुआ आज तक? छोटा मोटा कुछ नहीं होता ही रहता है, लेकिन बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस को भूल के भी हम लोग कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं सपोर्ट करेंगे, ओनली बीजेपी, ओनली ओनली फॉर बीजेपी, बीजेपी बीजेपी के दिए हैं देंगे, खुलेआम देंगे, बीजेपी बीजेपी क्यों देंगे, कोई नहीं किसी को। आइए बाबा से जानते, चचा से जानते, कहा बाबा कहा हाल चाल बा? दो दो को हमको पोती बिहार में भी भरा, झारखंड में भी भरा, वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो हम कैसे कांग्रेस के हम सपोर्ट करेंगे? जब भी देंगे तब फूल छाप, फूल छाप, बस क्या दिया फूल छाप आपको? एकदम मोदी के देंगे, दिया क्या है मोदी जी? मोदी हमको बहुत दे रहा है, क्या दे रहा है? वृद्धा पेंशन दे रहा है, सरकार के दे रहा है, 10 किलो गेहूँ फ्री भी, अथी भी है, जब भी हम देंगे तो मोदी के देंगे, ऐसे कोई पार्टी आवेगा हम मंजूर नहीं करते हैं। कांग्रेस कह रही है हम 1 लाख रुपए देंगे गरीबों को, कांग्रेस देगा? हाँ। हमको दिलवाइए तो अभी 1 लाख रुपया, मैनिफेस्टो जारी किए कांग्रेस, नोटेड बाय रेट, बाय रेट 1 लाख हमको देने के लिए कहते हैं कांग्रेस। हाँ। अभी हमको पैर पैर दे, हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मैनिफेस्टो में जारी किया है ना, अभी मेंटेडिट अभी चाहिए, लाख लेंगे, लाख नहीं, 1 लाख के वोट होता है, 1 लाख की कीमत, जब नौकरी नहीं दिया हमरा पोती के, कांग्रेस नहीं दिया है, ओ नहीं कांग्रेस कभी नहीं, वो खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, हम जब भी देंगे तो कमल छाप, कमल